नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हुतात्मा दिवस के अवसर पर दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को प्रातः 9:30 बजे से सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक पर किया गया, जिसका शुभारंभ अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नगर कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रवि प्रताप सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का यह संकल्प है कि हम किसी भी हिंदू को रक्त के अभाव में मरने नहीं देंगे। कारसेवा में शहीद हुए कारसेवकों की याद में इस वर्ष भी दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बजरंग दल के जिला सह संयोजक श्री रूपेश विश्वकर्मा ने कहा कि बजरंगे हिंदू समाज की रक्षा में रक्षा के निमित्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रक्तदान कर समाज की सेवा करने के लिए सदैव कटिबद्ध है। कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन हित अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आजाद भगत सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री शशि मौली जी तथा समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, जिनके द्वारा रक्तदाता कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया गया। समाचार लिखे जाने तक कल 61 यूनिट रक्तदान किया जा चुका था तथा अभी रक्तदान कार्यक्रम जारी था। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री विमल मौर्य, जिला सह सामाजिक समरसता प्रमुख विनोद कुमार सोनकर, जिला सह मंत्री मनोज शाही, नगर संयोजक बजरंग दल देवेंद्र, नगर सह संयोजक दिनेश चौहान, अभिषेक सिंह उद्यम, सुबोध सिंह, जितेंद्र राय, धर्मेंद्र सिंह, पुरंदर यादव, अश्विनी दुबे, विवेकानंद पटेल, संदीप किशन चौहान, पवन चौहान आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।